कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षिता एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, मैं अपनी शिमला ट्रिप से तो आ गई थी, लेकिन मेरा ना मैं बहुत थक गई थी एंड मुझे अपना ऑफिस भी स्विच करना था। सो दैट्स व्हाई मैंने ना यूट्यूब वीडियोस इतनी ज़्यादा नहीं बनाई, इतनी ज़्यादा क्या बनाई नहीं। सो बेसिकली बट मैंने यू नो इंस्टाग्राम पे काफ़ी चीज़ें पोस्ट करी है एंड अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो डू फॉलो इट नाउ। सो अब फाइनली मैं अपना यूट्यूब वीडियो इतने दिनों बाद बना रही हूँ, तो आई थॉट वाई नॉट मेक अ मेकअप वीडियो एंड बहुत दिन हो गए थे मेकअप वीडियो बनाए हुए भी। सो लेट्स सी, क्योंकि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या बनाऊंगी, तो आई विल डिसाइड द टाइटल लेटर ऑन जब मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाए उसके बाद। सो लेट्स सी कि मैं क्या करती हूँ और आज क्या एक्सपेरिमेंट करती हूँ, कैसा मेकअप करती हूँ। सो टू यू नो सी कि मैं क्या मेकअप करती हूँ, यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड येस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल, बिकॉज यू नो जैसे आप लोग सब्सक्राइब करते हो लाइक करते हो उससे मुझे बहुत ही यू नो मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है एंड उस मोटिवेशन से मैं और वीडियो बना देती हूँ। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जल्दी से जाके कर दो, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करें। जैसे ही आज मैंने अपना ना स्किन जो है प्रेपअप कर लिया था एंड यू नो व्हाट, आप जब भी मेकअप करो डोंट फॉरगेट टू प्रेपअप योर स्किन, क्योंकि फिर उससे हमारा बेस अच्छा नहीं लगता एंड फाइनली जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी अच्छा नहीं होता। सो पहले ही मैंने गुड वाइब्स का रोज हिप सिरम लगाया था एंड देन मैंने लगाया था निविया का सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर टू प्रेपअप माई स्किन। सो इन दोनों चीज़ों से आई हैव यू नो प्रेप्ड अप माई स्किन एंड नाउ आई विल डायरेक्टली अप्लाई द फाउंडेशन ऑन माई फेस। सो दैट आई विल बी यूजिंग टूडे इज मेबलिन फिट मी मैट पोरलेस इन द शेड 320। यू कैन सी द शेड नंबर एंड दिस इज द पैकेजिंग एंड द प्रोडक्ट दैट आई विल बी यूजिंग टूडे। सो विद दिस ब्यूटी ब्लेंडर आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस प्रोडक्ट आउट। ब्लेंडिंग इज़ यू नो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप अच्छे से इसको ब्लेंड नहीं करोगे एंड इसको यू नो ड्रैग करके नहीं ब्लेंड करना, यू हैव टू जस्ट डैप द स्पॉन्ज ऑन योर स्किन एंड दिस प्रोडक्ट विल ऑटोमेटिकली यू नो गेट अब्जॉर्ब इन योर स्किन ईजिली। जस्ट यू नीड टू गिव सम टाइम टू दिस स्पॉन्ज ब्यूटी ब्लेंडर एंड दिस प्रोडक्ट सो दैट इट कैन ब्लेंड ईजिली एंड गिव्स यू अ फ्लॉलेस बेस। I have blended my product out and it is now even and now I am going to apply the concealer. Basically I don't apply concealer to you know to hide the blemishes, but this sugar concealer, let me show you this. This is magic wand waterproof concealer in this shade 12 and I will give all the description below. So basically I use this shade because you know it will highlight this area under my eyes and to hide the little bit of blemishes I will apply this on this Maybelline New York concealer in the shade 40 caramel. I will apply this shade on my nose area and little bit of hair on the forehead. Firstly I'm applying this Tri Sugar one on the inner eyes and outer eyes corner. Just this much of the product and with the same beauty blender I'm going to blend this product out, blend it out nicely. The best thing about Tri Sugar products and especially the foundation and the concealers that it gives you a perfect you know coverage in just the little bit amount of the product. You can see that I've you know taken so much less of the product, less product, still you can see that it is giving the full coverage and it is highlighted my under eyes area as well. So I don't use this on other parts of my face, just a little bit on my under eyes as you can see. Maybelline Fit Me ka concealer and apply this on my nose area and on the forehead as well. And with this only I'm going to blend this out. Now I am taking Tri Sugar ka Arc Arrival to you know define my eyebrows and give it a perfect shape, and with this spoolie I'm going to brush my eyebrows first. So yes, I am taking the shade number 04 Felix Onyx. I hope you can see it on the screen.
And if not, I will definitely, you know, the products that I'm going to use in this makeup video, I'm going to list it down on the in the description box. So don't worry about the products. As you can see, I have shaped up my eyebrows. Now I will do the eye part, that is the eyeshadow part. And for the eyeshadow base, I will use the Tri-Sugar one, the Tri-Sugar concealer one. And I will apply this on my eyelids. And or you can use the concealer brush to, you know, blend this product. So today I'm going to use the Fashion Factory Pro HD 45 eyeshadow palette. And from this, I'm going to use these shades. Applying this on my outer eye corners, this shade. Blend it nicely with the help of a brush. Next, on the inner eye corner, I am applying this shade. And now for the eyeliner, I am taking the same one, that is Color Essence Super Extend Eyeliner. I will apply this on my eyelids. I'll try to make it wing, but not that zyada wala wing, simple wing. So my liner is done now, and now I will apply the mascara to roll up my eyelashes, and then I will apply the falsies to make it to make my eyes look big and to make this eye look complete. This is Volume Express waterproof mascara on my eyes, I mean eyelashes. Now I will contour my cheeks by using Wet n Wild eyeshadow palette, and I will take this shade from this palette and will apply this on my cheekbones for, you know, contouring to give the shapes to my cheeks. And with the same shade I will contour my nose as well. Now it's blush time, so I am using Tri-Sugar 03 Mauve Marble blush, and I'm taking some of the product and I will apply this on my cheeks. Now to lighten up my face, I am using Maybelline New York Master Chrome Metallic Highlighter Illuminator. So this is the in the shade gold, and I will apply this on my cheekbones and nose. Oh my god, it's looking damn nice, and I never do my makeup without, you know, highlighter. I love highlighting my high points a little bit more, as you know. I'm all glowing up. Think it's almost done, and now I'm going to, you know, apply the white kajal on my waterline to make my eyes a little bit large, and a highlighter here in the inner corner and on the eyebrow bone as well to lighten up my eyes. And I will apply the lipstick in the last, you know, to complete my makeup look. So I guess my eyes are done now. I hope it is looking nice.
Now the last step is to apply the lipstick finally. So let's do it and complete this look. So the lipstick that I'm applying is Maybelline Superstay Matte Ink in the shade Dauntless. Do try it. So guys, this is my final look and I hope आपको मेरा ये look पसंद आया होगा. Do let me know in my comment box कि आपको ये look कैसा लगा. And मैंने सोचा कि मतलब starting से पता ही नहीं था कि मैं क्या create करने वाली हूँ, but yes, it turned out quite nice. The lipstick shade and the eyeshadows are looking quite nice. So I hope आपको ये look अच्छा लगा है. एंड येस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो प्लीज. एंड येस, डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल एंड माई हैंडल आई डी इज शोइंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. डू फॉलो मी देयर ऑल्सो. एंड नाउ आई एम ऑन वॉच टू मी. डू फॉलो मी देयर ऑल्सो. लिपस्टिक दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, आई हैव फुल डिटेल्ड रिव्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल. यू कैन चेक दैट आउट टू एंड आई हैव लिंक दैट वीडियो एज वेल ऑन दिस वीडियो. सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.